इन्होंने एक्सप्रेस किया एक दिन कि मैंने अपने हाथ से कभी कुछ एक पैसा भी नहीं कमाया. सो मेरे वो बात मेरे दिल को बहुत जाके लगी. आई सेड कि इतने टैलेंटेड हैं हम सारे, पूरा बचपन हमने कभी बाहर जाके खाना नहीं खाया, कभी कोई मिठाई नहीं खाई, चॉकलेट्स भी घर बनाती थी, बर्फी भी घर, शरबत भी घर, यू नो. सो आई सेड इतना टैलेंट है तो आप हम कुछ ट्राई करते हैं. सो बस ऐसे ही इन्होंने, मैंने कहा आप बेसन की बर्फ़ी बनाओ, बिकॉज मेरी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं कि जैसे ही विंटर आता था तो हमारा जो डाइनिंग टेबल है पूरे बेसन के थाल के साथ भर जाता था, और हम लोग काफ़ी बड़ी फैमिली थे और सबके लिए मामा बना के और सर्दियों के लिए बेसन भेजती होती थी. सो एंड सब लोग जो भी इनको याद करता है ना, वो पहली चीज़ यही कहता है कि भाभी के हाथ की जो बेसन बर्फ़ी है वो कमाल की. So, मैंने कहा चलो हम ये बेसन बर्फी ट्राई करते हैं, आप बनाओ और मैं ये ऑर्गेनिक मंडी में लेके जाऊंगी. तो इन्होंने फिर ये ऑर्गेनिक पूरे मटेरियल के साथ बेसन की बर्फी बनाई और मैं लेके गई और वो हाथों हाथ बिक गई.